आले 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 बाहेर ए चला ओ या पडी ए चला ए या पडी ए ए चला 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 ए भाई ए बॉटल निकाल रे ए बाबा ए पानी का बॉटल निकाल दो पानी का बॉटल ए पानी का बॉटल पानी का बॉटल पीछे आ जाओ यार जल्दी 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 फटाफट मैडम हेलो It's in my face.
Ruben, tell us about the sculpture and your initiative that you're doing for public art. Well, as an artist, I think public art, everybody should be accessible to art. It's not just for the rich and famous, that they can go to all the museums in the world and appreciate art. My whole point behind promoting public art is that people on the road, people coming from all over India who probably would not even, you know, visit galleries or museums, should look at a public piece which appeals them, which gives them happiness. And there are a lot of commuters every day, you know, we drive around the traffic. If you look left and right and you see some nice piece of art which just gives that little smile on your face, that's the whole point of doing my, the whole force behind public art. And this is my sculpture, which is done in stone, and it's called Paradise Garden. The whole inspiration came from nature. I do a lot of theme-based artworks. So I've dedicated this to Mother Nature, to plant more trees, save water. Let's all get together and save the environment. This is what the art piece depicts. मैं रूबल जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ. मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हम ऐसी हड़बड़ी की ज़िंदगी मना रहे हैं. हम इतने छोटे रास्तों से जाते हैं, बहुत सारी इतने लोग हैं और समस्याएं बहुत सारी हैं. जब हम अच्छे खुशी के रंग देखते हैं, साफ सफाई देखते हैं, हमें अच्छा लगता है. वी ऑलवेज फील बेटर दैट अ सिटी हैव टू बी क्लीन, वी सी गुड थिंग्स, और हर किसी की वही इच्छा होती है. आज हम खुश हैं कि पब्लिक स्पेसेस में हमें नया आर्ट इंस्टॉलेशन, एक नया कलाकार कोई अच्छा करना चाहता है, लोगों से जुड़ना चाहता है, वो दिखाई दे रहा है, और इससे हमारी मुंबई, हमारा मुंबई शहर भी सुंदर दिखेगा. मैं रूबल जी के साथ बहुत जगहों पे काम कर चुकी हूँ. वी हैव डन ब्यूटीफुल हैशटैग बैंड्रा एंड बैंड्रा, ये हम कर रहे हैं. विल बी कनेक्टिंग विद मोर किड्स टू गेटिंग इन टू पेंटिंग देयर हैबिट्स, जहाँ पे वो कला के साथ कुछ ना कुछ जिंदगी में अपना सुधार कर सकें, पैरों पे खड़े हो सके. एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऐश्वर्या जी, माय प्लेजर, उन्होंने अपना समय निकाला और मुंबई शहर की एक मुंबई वासी के रूप से उन्होंने मुंबई को ताकत दी, और हर वक्त पूरा परिवार हमारे साथ जो कुछ शहर के लिए हो, देश के लिए हो, करने के लिए हर वक्त तत्परता से आगे बढ़ता है. इसलिए मैं ऐश्वर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे न्योता दिया. यू इनवाइटेड मी टू कम एंड जॉइन इन द इनॉग्रेशन ऑफ दिस ब्यूटिफुल आर्ट वर्क बाय रूबल, एंड द प्लेजर इज़ बिन ऑल माइन. इन्होंने एकदम सही कहा. हम रूबल जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि हमारे शहर को और ब्यूटिफाई कर रहे हैं, और एज अ मुंबईकर वी आर ओनली टू हैप्पी टू जॉइन इन दिस ऑन गोइंग मूवमेंट टू beautify our city and have these wonderful art installations. And when Rubel is when she's actually explained it, it makes such natural sense, I think, to everyone listening, that art is not really just for the exclusive section of society. It has to be enjoyed by all. Art becomes artwork with increased audience appreciation, and I think it's wonderful that together all of them, Poonam ji, Rubel, the BMC, all have actually made it possible that we're having these installations all over the city, and the pleasure was all mine to join in today. Thank you so much. Thank you. And main dil se दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. दैट पूनम, ऑफ कोर्स वी डन समथिंग बिफोर विद ऐश्वर्या, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट शी इज कम इन इनॉग्रेटेड दिस स्कल्पचर, बट आई एम एंड आई एक्चुअली वांटेड द विमेन पावर दिस टाइम, मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन आई कंप्लीटली लुक अप टू एंड आई माय फेवरेट्स. सो आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज हियर आल्सो फॉर कमिंग एंड बीइंग सो सपोर्टिव, ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव.
So let's create, let's make our city beautiful and bright and make everybody driving across the road happy and give them a lot of smiles on their face. Also, that's the what location I want. For me has a personal, holds a special place personally because I've always lived in Bandra until I got married. And Mehboob Studio is right here, yes. Where we have done so much of our work in our industry. So this and, just and is. I hope you're voting. And is yeah, not and she tulip. Said, and she said the tulip. I mean, she said this is inspired by a tulip, and that just makes perfect sense again because well, there is a tulip named Aishwarya. So I just discovered that. So thank you. I mean, this is just this pleasure. I think has I have been to shift your voting from Juhu again to Bandra. So that helps me more. Yeah, that'll be great. Actually, would you like to talk something about like Bahubali's breaking barriers or something? We are here for this today. Thank you. Thank you so much. Man solo.